प्यारे भैया बहन, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 कैसे बनाएंगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 6 में 3 सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। 3 सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये है ग्रेटर देन, ये लेस देन और ये इक्वल टू। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, 8 है, 4 है। 8 और 4 के बीच में एक सिंबल डालना है, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा। 6 और 9 के बीच में देना है और 4 और 4 के बीच में देना है। तो यहाँ पर हम लोग 8 और 4 कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 इज ग्रेटर देन 4, तो हम लोग 8 इज ग्रेटर देन 4 यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा दें। दूसरी तरह से 6 इज लेस देन 9, तो यहाँ पर भी हम लोग 6 इज लेस देन 9 लगा दें, ठीक है। उसी तरह से 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हम लोग सिंबल 4 इज इक्वल टू 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 8 इज ग्रेटर देन 4, 6 इज लेस देन 9 एंड 4 इज ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4। अब हम लोग 2 डिजिट के नंबर के विषय में जानेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। यहाँ मेरे पास में 2 डिजिट का नंबर है, एक है 84, एक है 84 और दूसरा है 76, दूसरा है 76। तो दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसका लेफ्ट से हम लोग देखते हैं, तो इसका फर्स्ट डिजिट है 8 और इसका फर्स्ट डिजिट है 7, यानी टेंस प्लेस वाला, वंस टेंस प्लेस वाला 8 है और वंस और टेंस प्लेस वाला यहाँ पर 7 है, यानी 8 है यहाँ पर 7 है। इसका मतलब 8 बड़ा हुआ और 7 छोटा हुआ, तो हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, यानी 84 इज ग्रेटर देन 76। उसी तरह से जब लेफ्ट वाला फर्स्ट नंबर दोनों का सेम हो, यानी यह 54 और ये 57, लेफ्ट में फर्स्ट नंबर 5 है, यहाँ भी 5 है, फर्स्ट नंबर देख करके हम लोग फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, इसलिए सेकेंड नंबर, फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर को हम लोग देखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, 4 है छोटा होता है, 7 बड़ा होता है, तो यानी 57 अब हमारा बड़ा हो गया। 57 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, 57 ग्रेटर हो, तो ये वाला साइन, ग्रेटर का साइन हम लोग यहाँ लगा देंगे, 54 इज ग्रेटर देन 57। ये सारे चीज़ आप लोग क्लास 2 में हंसते खेलते पढ़े थे, याद है ना आप लोग को, हम समझते ज़रूर याद होगा। अब हम लोग क्लास 3 डिजिट का नंबर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, 3 डिजिट का नंबर कैसे बड़ा होगा कैसे छोटा होगा उसके विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ 3 डिजिट का नंबर 4 से स्टार्ट हुआ है, ये 3 डिजिट का नंबर 3 से स्टार्ट हुआ है। बिना ज़्यादा समय लगाए हम लोग कह सकते हैं कि 432 ग्रेटर है, 346 स्मॉलर है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट दोनों का अलग अलग मिल गया। फर्स्ट चांस में, फर्स्ट केस में ही हम लोग कौन बड़ा कौन छोटा बता सकते हैं। अब हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं, 432 और 467, यहाँ फर्स्ट डिजिट लेफ्ट से, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, फैसला नहीं होगा। अब सेकंड पे आ जाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, फैसला हो जाएगा। यहाँ 3 है सो छोटा हो गया, 6 बड़ा हो गया, यानी 467 बड़ा, 432 छोटा। अब तीसरा नंबर पर चर्चा करते हैं, यहाँ तीसरा नंबर क्या है, 432, यहाँ 434, फर्स्ट नंबर सेम, फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। सेकंड नंबर थ्री, अब भी फैसला नहीं हो पाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। अब थर्ड नंबर फोर, फैसला हो जाएगा कौन बड़ा छोटा, 2 छोटा है इसलिए 432 स्मॉलर हो गया, 434 ग्रेटर हो गया। अब हम लोग इसमें साइन को हम लोग ऊपर से नीचे भर लेंगे। अब यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर और 3 डिजिट का नंबर, ये 2 डिजिट के नंबर में 3 है या 4 है, 3 डिजिट के नंबर में 1, 1 और 2 है,
तो चूंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, इसलिए 3 डिजिट का नंबर हमेशा बड़ा होगा, 2 डिजिट का नंबर छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग 34 लेस देन का साइन भर देंगे। इसी तरह से 467 और यहाँ पर 2340 यानी 2340 यानी 3 डिजिट का नंबर ये है, 4 डिजिट का नंबर ये है। तो 4 डिजिट का नंबर हर हाल में बड़ा होगा, चाहे पहला नंबर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई अंतर, छोटा हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका पहला डिजिट 4 है, 4 है, इसका पहला डिजिट 2 है, फिर भी ये वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसलिए ये वाला नंबर 4 डिजिट वाला नंबर इससे बड़ा होगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर में 1 है और यहाँ पर 2 डिजिट में 3 है, 3 बड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये 3 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के नंबर से बड़ा होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन सोल्व करना है, आराम से कर लेंगे। ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब ये वाला स्मॉलर होगा, ये वाला ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर यानी खुला वाला, यानी ये वाला साइन हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 768 और 789, अब देखिए केस वही आ गया, फर्स्ट डिजिट सेम, फैसला नहीं होगा, 6 और 8 फैसला हो जाएगा, 8 ग्रेटर है, इसका मतलब 789 ग्रेटर होगा, इसलिए सिंबल इधर से, यानी बंद वाला इधर, नाक वाला इधर और खुला वाला इधर साइन लगाएंगे। तो हम समझते भैया बहन आप लोग समझ गए होंगे, इसी प्रकार से आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर 10 नंबर में 999 प्लस 1, इसको जब हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1000 हो जाएगा, यानी 1000 इधर भी, 1000 इधर भी। कौन सा सिंबल लगेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद लिख देंगे, खुद पुट कर देंगे, है ना भैया बहन। अब आइए यहाँ पर 11 का सवाल, ये क्या है, फिगर में है, आइए वर्ड में लिखा हुआ है। अब वर्ड में क्या लिखा हुआ है, 2090 2009 है, आप समझ सकते हैं कौन बड़ा है, राइट वाला वर्ड वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है, यहाँ पर सिंबल हम लोग डाल देंगे। ठीक उसी तरह से 12 वाला हम लोग बना लेंगे, 13 वाला भी बना लेंगे, 14 वाला भी बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा पढ़िए, द पॉपुलेशन ऑफ टू विलेज ए एंड बी इज 8506 एंड सेकेंड बी का है 8985 रेस्पेक्टिवली, विच विलेज हैज मोर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है विलेज ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है। यदि ए का ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ ए लिख देंगे और बी का ज़्यादा है तो यहाँ हम लोग बी लिख देंगे, विलेज ए या विलेज बी, जो दोनों में से जो सही होगा उसको लिखेंगे। अब आपको फैसला करना है कि ए का पॉपुलेशन 8506 है और बी का पॉपुलेशन 8985 है, अब फैसला कीजिए कि ए बड़ा कि बी बड़ा, यानी ये वाला बड़ा कि ये वाला बड़ा, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, आप आंसर लिख के भेजेंगे, उसके बाद मैं उसको देखूंगा कि आपने सही बनाया है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 16, एक गांव में एक विलेज है मेल्स, यानी मेल की संख्या, यानी पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या कितना है 3591, फीमेल की संख्या कितना है 3089, विच आर लेस इन नंबर मेल्स या फीमेल्स। अब फिर यहाँ उसी तरह से फैसला करना है, ये बड़ा कि ये बड़ा,
यदि ये बड़ा है तो यहाँ मेल लिखेंगे, ये बड़ा है तो यहाँ आंसर में हम लोग फीमेल लिखेंगे। समझ गए भैया बहन? तो आज का होमवर्क आपका यही एक्सरसाइज नंबर 6 होगा, जिसे मैं फोटो स्क्रीनशॉट लेकर करके भेज रहा हूँ।